नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज किस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में आपके बीच में हाल ही के अंदर की एक प्रॉपर खबर साझा करेंगे। दरअसल यहाँ पर आप देखें, शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि का खुलासा, 2500 की जगह 21500 मानदेय। यहाँ पर साथियों हाल ही के अंदर कुछ बातें कही गई हैं, हाल ही के अंदर आपके मानदेय को लेकर कुछ आंकड़े भी दर्शाए गए हैं, उन आंकड़ों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। सभी साथियों से अनुरोध है एक बार इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। अब अपडेट आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर आप देखेंगे हमारे बहुत से साथियों के पास पैसों का बोरा भरा पड़ा सड़ रहा होगा, इसलिए उन्हें 2500 ऊंट के मुंह में जीरा लग रहा होगा। जरा उनका भी सोच लो जो सिर्फ इन्हीं 10,000 पर ही निर्भर है, उनके लिए तो ये 2500 ही सहयोगी बनेंगे। ऐसा विरोध करके ना ही 17,000 होने दिए और ना ही 2,000 बढ़ने दिए। अगर 17,000 हो गए होते तो जब 2,000 बढ़ते तो 19,000 होते और आज 2500 के साथ 21,500 हो जाते। मगर नहीं, विरोध करना जरूरी है और 10,000 को ही नसीब बना ले। अपनी मानसिकता को बदलो, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर न करो। बुद्ध जीवियों कुछ तो चिंतन मनन करो। आपके ही साथी के द्वारा ये बातें लिखी हैं। हालांकि इन बातों में कुछ बातें पॉइंट वाली भी हैं कि हर बातों का विरोध आपको करना भी नहीं चाहिए। लगातार आपको वर्तमान सरकार का ही आप विरोध करते रहेंगे तो जो मिलना भी है वो भी नहीं मिलेगा। लेकिन साथियों, इनकी बातों को लेकर के कुछ बातें यहाँ पर मैं भी कहना चाहता हूँ। जहाँ पर इनके द्वारा ये बताया गया कि 17,000 मानदेय को लेकर आपने रोका, अगर 17,000 मानदेय मिलना होता तो सरकार उसे जारी करती। आपके विरोध न करने से सरकार को कुछ अधिक फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लगातार 10,000 मानदेय का विरोध ही करते आ रहे हैं, फिर भी सरकार आपको 10,000 मानदेय देती है। आपने लगातार विरोध किया कि हमारे जो अन्य शिक्षक साथी हैं उन्हें इतना वेतन दिया जाता है, कभी सरकार ने इसके ऊपर कोई प्रतिक्रियाएं की? फिलहाल संगठन या फिर आप स्वयं को ना कोसते हुए आप सरकार को ये बातें कह सकते हैं, क्योंकि सरकार की जो मनसा होगी सरकार वही करेगी। आपके कहने या फिर न कहने से कुछ नहीं होता। अगर इस पर होता होगा तो पिछले 6-7 सालों से आप लगातार सरकार से कहते ही आ रहे हैं, लगातार आपने सम्मेलन किया, लगातार आपने प्रदर्शन किया, सरकार से संवाद स्थापित किया, लगातार ज्ञापन दिया, सरकार ने कुछ भी नहीं किया। फिलहाल के लिए मेरा मानना यही है कि अगर मानदेय वृद्धि होती है तो 2500 मानदेय वृद्धि ना ही हो तो ठीक है, क्योंकि अगर 2500 मानदेय वृद्धि आपकी होती है तो सरकार ये कहने को तत्पर हो जाएगी कि हमने आपके मानदेय में 2500 की वृद्धि की, या फिर कहेगी 25% की वृद्धि की, अब मानदेय में वृद्धि को लेकर सरकार में चर्चा नहीं। फिलहाल मानसून सत्र आ रहा है, इसी मानसून सत्र में होना क्या है ये सबकी घोषणाएं हो जाएंगी। फिलहाल के लिए जय हिंद।